Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Monsoon is here. I personally love rain. अच्छा लगता है रिमझिम रिमझिम बारिश होती है हर जगह. But oh my god, the humidity, it irritates me a lot. एक तो hair fall इतना होता है, हर जगह बाल होते हैं, हमारी skin इतनी greasy हो जाती है, oily, चिपचिपी, body इतनी चिपचिप करती है, फिर smell अजीब से आती है. So overall, it's not a good situation in monsoon. So मुझे लगा मेरे top monsoon picks की मैं बात कर लेती हूँ अपने चैनल पे, because ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ ना, इस स्पेसिफिकली इस सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. दे कैन डील विद योर मॉनसून चिपचिप ग्रीसी हेयर फॉल बॉडी ओडर इश्यूज. सो आज की वीडियो में आपको भर भर के कशी का ज्ञान मिलने वाला है. सो जस्ट इन केस यू आर न्यू है, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिव ऑयलीनेस की. अगर आप ऑयली स्किन गर्ल हो और मॉनसून आ जाए तो मतलब इतना ज्यादा ऑयली हो जाती है स्किन, चिपचिपी ग्रीसी. कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, कोई इवेंट में ओकेजन पे जाना है, स्किन अजीब सी शाइन शाइन करती है. तो आपको कुछ टूल्स रिकमेंड करने वाली हूँ जो एकदम परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए, या फिर मॉनसून में अगर आपकी स्किन ग्रीसी हो जाती है तो उस केस में भी अच्छे हैं. सबसे पहला टूल है जो डेफिनेटली आपने बैग्स में रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इजिली आपके कोई भी बैग, टाइनी टाइनी मिनी बैग में भी आ जाएगा. ये है ऑयल कंट्रोल टिश्यूज, दीज आर फ्रॉम मिस क्लेयर. ये मैंने अमेजोन से लिया था, बहुत अच्छे रेट पे आपको अमेजोन पे मिल जाता है. सो ये बेसिकली इंस्टेंटली रिमूव करता है एक्सेस ऑयल, शाइन टू हेल्प रिड्यूस क्लॉग पोर्स एंड ब्लेमिश. ये मेड इन कोरिया है एज दे क्लेम, दो आई एम नॉट श्योर कि मिस क्लेयर मेड इन कोरिया है या नहीं है, बट दीज आर वेरी नाइस. सो वंस यू ओपन इट, इनके अंदर कुछ इस तरह से टिश्यू है एंड दीज आर लाइक वेरी फाइन, इतने पतले ऐसे ब्लोटिंग पेपर इसको बोला जाता है. जो भी एक्सेस ऑयल होता है वो हट जाता है. लाइक अभी भी आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी सेकंड वीडियो शूट कर रही हूँ, फर्स्ट वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ, तो मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं शूट करते हुए. अब ऑयल प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ कोर्स मॉनसून एंड चिप चिप. सो या यू कैन सी, सो इसमें क्या होता है, आपको दिख जाएगा, कैन यू सी द डिफरेंस. आपको यहाँ पे ऐसे ऑयल दिख रहा होगा, दिस इज द नॉर्मल पेपर और ये सेंटर में आपको दिख रहा है, इसने सारा जो ऑयल था उसको एब्जॉर्ब कर लिया. एक्सेसिवली मेकअप ट्रांसफर भी नहीं होता, बिकॉज अगर आप रेगुलर टिश्यू यूज करोगे उससे मेकअप हट जाएगा, ऑयल हट जाता है, और इसके ऊपर फिर आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो. अगर आप डायरेक्टली कॉम्पैक्ट यूज करोगे ना तो आपका वो पफ पूरा ऐसे गीला गीला हो जाएगा, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. तो अगर आप पार्टी या वेडिंग में भी जा रहे हो, अभी आप समर्स की मॉनसून की कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली कैरी इट. अगर आप ये ऑयल कंट्रोल पेपर्स नहीं यूज करना चाहते, या फिर बोर हो गए हो, या फिर इफेक्टिव नहीं है, तो एक नया टूल आ गया मार्केट में विच इज वॉल्केनिक ऑयल एब्जॉर्बिंग रोल ऑन. यह है मिलैग्रो का, ये कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने ऑलरेडी रिव्यू करा हुआ है अपने इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट पे. सो ये कुछ इस तरह से छोटी सी इसकी पैकेजिंग है, इट कम्स विद अ लिड एज वेल, और ये है बॉल. ये बेसिकली आपको जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड आई लव द फैक्ट एकदम नुक्स इन कॉर्नर में अच्छे से जाती है और ये सारा ऐसे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है. आई डोंट नो ये क्या है, इसको कुछ वॉल्केनिक स्टोन समथिंग बोलते हैं, जो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज उसको आप यहाँ से खोलोगे ना, आई थिंक ओके, यहाँ से मैंने खोला, ये बॉल ऐसे निकल गई, एंड देन यू कैन वॉश इट. तो ये वॉशेबल भी है विच इज अ गुड थिंग, तो आपकी हाइजीन एकदम मेंटेन रहती है. फटाफट बैग से निकाला, ऐसे गो थ्रू किया, एंड दैट्स इट, सारा ऑयल ही एब्जॉर्ब कर लेता है. शाइनी आपका फेस इतना फील नहीं होता, जो भी स्वेट होती है वो निकल जाती है, लेकिन आपका मेकअप एकदम इंटैक्ट रहता है. द सेकेंड टूल इज लाइक द मोस्ट सस्ता जुगाड़, बिकॉज ये पेपर्स भी थोड़े से शायद एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन ऐसे पिज्जा पफ आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे अमेजोन पे, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं. इसको कहते हैं पिज्जा पफ बिकॉज इसकी पिज्जा जैसी शेप होती है, पीछे से रिबन आता है. सो यू कैन लॉक योर हैंड्स लाइक दिस, और इसको अपने बैग में रख सकते हो. आप इस पर हल्का सा लूज पाउडर लगा के भी रख सकते हो. लाइक मैंने किसी वीडियो में हैक देखा था कि आप क्या करो, लूज पाउडर इस पर हल्का हल्का ऐसे लगा के इसको एक पेपर में रैप करके अपने बैग में डाल दो. आप जैसे इसको निकालोगे इसमें ऑलरेडी वो लूज पाउडर लगा होगा, एंड देन यू कैन सिंपली डैब ऑन योर स्किन. आपको लूज पाउडर अप्लाई करना है ना, तो जो रेगुलर इसके साथ ये स्पंजेस आते हैं ना, उससे बेटर आप इससे लगाओ, इससे लूज पाउडर एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है. लेट्स टॉक अबाउट बॉडी ओडर एज वेल, बिकॉज मॉनसून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बॉडी स्मेल की. इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिप होती है, आपके नॉर्मल बॉडी मिस्ट या फिर जो भी हमारे लाइट फ्रेग्रेंसेज होती है ना, वो इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगी. अगर आप चाहते हो आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस मिले, तो मॉनसून में आपको ईडीपीज यूज करने ही होते हैं. ईडीपीज आर ऑल द परफॉर्म जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफी लंबे चलते हैं, काफी इंटेंस उनकी खुशबू होती है. तो मैं आपको दो रिकमेंडेशन देने वाली हूँ जो मैं आजकल करंटली खुद भी यूज कर रही हूँ, एंड दीज आर लाइक अमेजिंग. मैंने जिन जिनको अपने सेल पर भी रिकमेंड करे थे ना, उनको बहुत अच्छे लगे थे. सबसे पहले रिकमेंडेशन है प्लम बॉडी लव
इनका वनीला कैरामेलो फ्रेग्रेंस. आई लव द पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक लुक एट दिस, इट लुक्स लग्जूरियस. आप इसको अपनी वैनिटी पे भी रखोगे ना, ये बड़ी सुंदर लगेगी. एंड आई लव द फैक्ट ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आती है, तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को. लाइक राखी एंड ऑल आ रही है, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है आप डेफिनेटली ले सकते हो. एंड आप कहीं जाते हो ना, अच्छी बेकरी में जाते हो जहाँ पे ऐसे सॉल्टेड कैरामेल पॉपकॉर्न या फिर कुछ कैरामेल बेस्ड कुछ केक टाइप रखा होता है, इसकी बिल्कुल वाली खुशबू आती है. विच फील्स सो सो ग्रेट, फील्स लाइट. लाइक डे टाइम के हिसाब से मुझे वाली फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है. अगर आप डे टाइम में कहीं डेट पे जा रहे हो, वर्क ऑफिस, उसके हिसाब से भी अच्छी है, बिकॉज ये किसी को भी एक्सट्रीमली हेडेक नहीं देगी. कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेज जो सिट्रस साइड पे होती हैं या फिर थोड़ी सी मैनली साइड पे होती हैं, वो काफ़ी बार हेडेक देती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं. लेकिन ये बहुत प्यारी डेजर्ट लाइक फ्रेग्रेंस है जो बहुत अच्छी एंड प्लीजिंग फील होती है. मैं इसको स्पेसिफिकली डे टाइम में लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे एक अच्छी डे टाइम वाली इससे वाइब आती है. इफ आई टॉक अबाउट द नोट्स इन दिस वन, इसके जो टॉप नोट है उसमें आपको मिलेगा वनीला आलमंड. इसके जो मिडिल नोट है उसमें आपको मिलेगा सॉल्टेड कैरामल, पिस्ताचियो, जैस्मिन पेटल, इसलिए इसकी एकदम वो कैरामल वाली खुशबू है. और जिसका बॉटम नोट है उसमें आपको मिलेगा सैंडलवुड. तो ओवरऑल जो इसके नोट्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली अ EDP, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी लंबे चलने वाले हैं. इन सजेशन जो मैं पहले वाली खत्म कर चुकी हूँ, दिस इज एक्चुअली अ न्यू बॉटल. इट इज़ द प्लम बॉडी लव इन स्मोकिंग वनीला EDP. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है. मुझे पर्सनली वनीला सारे ही अच्छे लगते हैं बॉडी लवन के. जो प्लम बॉडी लवन में और भी वनीला फ्रेग्रेंसेस आती हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये जो स्मोकिंग वनीला है ना, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. मतलब इसमें एक स्वीटर वाली खुशबू भी है, लेकिन समथिंग वेरी स्मोकी, वेरी डिफरेंट. एंड वनीला ऑफकोर्स, अगर आपको वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, आपने इनका नॉर्मल वनीला वाला बॉडी मिस्ट या फिर परफ्यूम यूज़ किया है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. अगेन वेरी वेरी डिफरेंट, काफ़ी लग्जूरियस ये फील होती है. टॉक अबाउट द नोट्स ऑफ स्मोकिंग वनीला वन, बिकॉज मैं आपको नोट्स बताऊंगी तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही जाएगा. इसके टॉप नोट्स में आता है हनी सकल, वुडी नोट्स हैं इसकी. देन मिडिल हार्ट नोट जो है वो है वनीला बाल्सम, एंड बेस में है एम्बर एंड मस्क. तो काफ़ी अच्छा एक मस्क की खुशबू भी आती है. रियली लव द पैकेजिंग एज वेल. अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है. आप डेफिनेटली राखी एंड ऑल पे अपनी सिस्टर के लिए भी ले सकते हो. इनकी लिंक नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई हैव अ कोड एज वेल, उससे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा प्लम की वेबसाइट पे, एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इसके अलावा मैंने अपने प्लम के काफ़ी सारे रिकमेंडेशन रिसेंटली एक वीडियो में करे थे, जो मैं यहाँ के लिंक कर दूंगी, आप डेफिनेटली वो भी देख सकते हो. एंड या डू चेक इट आउट, दिस स्मेल हेवनली, स्पेसिफिकली इन करंट मॉनसून चिपचिप वेदर, इट एक्चुअली स्मेल्स नाइस. सेकंड मॉनसून हैक टू कंट्रोल ऑल ऑन योर फेस इज टू यूज अ नाइस लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, बिकॉज आप मॉनसून के टाइम अगर कुछ हैवी ग्रीसी यूज कर लोगे ना, आपकी स्किन और ऑयली हो जाएगी, वो और ऑयल प्रोड्यूस करेगी या फिर हैवी फील होगी. तो मुझे स्पेसिफिकली आजकल जो मॉइस्चराइजर अच्छा लग रहा है वो है ये सिंपल का. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसे छोटा सा पैकेजिंग में आता है, एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल. नायका की सेल पे तो ये बहुत सस्ते में मिलता है, तो इफेक्टिव भी और सस्ता भी है. दिस इज अ सिंपल अल्ट्रा लाइट लिक्विड मॉइस्चराइजर फॉर 24 आवर हाइड्रेशन एंड मैट लुक. मैं खुद जिम में यही लगा के जाती हूँ, बिकॉज जिम में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और मैं कोई भी अगर ग्रीसी बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लूंगी ना, उससे और ज्यादा स्वेटिंग होती है. बट दिस इज रियली नाइस, एकदम पानी जैसा है. लाइक इट लिटरली फील्स लाइक अ जेल, कैन यू सी, पूरा से ट्रांसपेरेंट जेल है. सो ये नरिशमेंट भी देता है, आपकी स्किन को जो रिक्वायर्ड नरिशमेंट है, ऑयली स्किन को जो बेसिक नरिशमेंट चाहिए वो तो मिलती ही मिलती है, बट ये काफ़ी अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है. लाइक इसको लगाती है आपको फील होता है कि एक्सेस ऑयल को इसने लिटरली खत्म कर दिया है. ये एक्सेसिवली आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता. इट हैज़ थाइम, इट हैज़ जिंक, इट हैज़ विच हेजल. जिंक और विच हेजल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो ऑयल को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है. ये ऑयली स्पॉट प्रोन स्किन के लिए बना है, तो अगर आपकी ऑयली एक्ने स्किन है तो आपके लिए बहुत सेफ है मॉइस्चराइजर है. नो कलर, नो परफ्यूम, नो हार्श केमिकल, एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी सेफ फॉर योर स्किन. सो अगर आप मॉनसून के लिए कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर देख रहे हो, कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. लेट्स टॉक अबाउट हेयर एज वेल. मैंने रिसेंटली अपना मॉनसून हेयर केयर रूटीन भी अपलोड कर दिया, तो अगर आप अपना मॉनसून हेयर केयर रूटीन देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली वो वीडियो देख सकते हो. लेकिन एक प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ जो स्पेसिफिकली मॉनसून में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विच इज़ फ्रिजीनेस. हमारे बाल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, अजीब से रहते हैं, स्ट्रेट नहीं हो पाते. और फिर क्या करते हैं मॉनसून में, जब लगता है ना बाल हल्के से वेवी हो रहे हैं, बड़े फ्रिजी फ्रिजी लगते हैं, प्रेसिंग मशीन उठाते हैं और फिर प्रेस करना शुरू कर देते हैं. उससे क्या होता है, आपके बाल डैमेज होते हैं, बिकॉज दो हॉट प्लेट्स के बीच में जब अपने बालों को दबाते हो ना, वो लिटरली आपके बालों को बहुत डैमेज करता है. तो उसका एक लेस डैमेजिंग या फिर लीस डैमेजिंग मैं आपको ऑल्टरनेटिव देना चाहती हूँ, विच इज़ दिस हेयर ब्रश बाय अगारो. ये रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज किया है और मैं कॉन्स्टेंटली इसको यूज़ कर रही हूँ. मैंने तो आई थिंक अब एक महीना हो गया मैंने ये हेयर स्ट्रेटनर भी यूज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज इससे ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. सो दिस इज ऑल द बॉडी लुक्स लाइक. इसका नाम है अगारो हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, 2-in-1 आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज ये आपके बालों को कॉम्ब भी करेगा लेकिन आपके बालों को स्ट्रेटनर भी
करता है. आई लव द बॉडी, मतलब इसकी क्वालिटी, इट एक्चुअली फील्स टॉप नॉच. मेरे पास एक और हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश है किसी और ब्रांड का, वो मेरे अपने घर पे रखा हुआ है, वो मैं लेके नहीं आई थी बिकॉज वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता था. वो फ्लैट ऐसे पैडल वाला ब्रश था, उससे ना बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होते थे, बट इसका डिज़ाइन ही इतना यूनिक है कि अंदर तक बाल जाते हैं और बहुत अच्छे से ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं. सो इट कम्स विद अ प्रॉपर सेटिंग. सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, मैं यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर दूँगी, उसमें आप देख सकते हो बिकॉज अभी मैंने स्विच लगाया नहीं हुआ. लव द वायर एज वेल, बहुत अच्छी लंबी वायर है तो आप दूर तक इसको लगा सकते हो. इट हैज़ दिस 360 डिग्री रोटेशन एज वेल. अच्छी क्वालिटी के जो हेयर टूल्स होते हैं ना, उसमें आपको हमेशा ऐसे 360 डिग्री रोटेशन मिलेगी, अदरवाइज लो क्वालिटी में आपको कभी नहीं मिलेगा और फिर आप ऐसे अटकते रह जाते हो, कर नहीं पाते. बॉडी बहुत अच्छी है, द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. यहाँ पे स्विच ऑन का बटन है, ऑन एंड ऑफ का. वंस यहाँ पे दबाओगे आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख जाएगा. वंस यू स्विच इट ऑन, आपको ये बटन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए. जैसे ही आप ऑन करोगे इसमें ऐसे इंडिकेटर वाली लाइट आ जाती है और इसमें आपको लेवल्स मिलते हैं हीट सेटिंग के. तो अगर आप प्लस प्लस करते जाओगे, नंबर वन सेटिंग इज 130, फिर 150, 170, 190 एंड मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 210. इसकी बहुत अच्छी आयोनिक टेक्नोलॉजी है जिससे काफ़ी अच्छे से आपके बाल स्ट्रेटन अप हो जाते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये क्विक हीट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें टाइम नहीं लगता. अगर आप सुबह सुबह बहुत लेट हो रहे हो, ऑफिस जाना है, मीटिंग में है, कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन है, मेरे साथ ऐसे होता है, मैं हमेशा मेकअप में इतना टाइम लगा देती हूँ कि लास्ट में बस टाइम ही नहीं होता बालों को कुछ करने का, तो मैं तो हमेशा लेट हो रही होती हूँ. तो मुझे उस हिसाब से रिवाइज बहुत अच्छा लगा बिकॉज फटाफट ही हीट हो जाता है. एंड आप देख ही सकते हो वीडियो में मैं कैसे इसको यूज़ कर रही हूँ. जैसे जैसे हीट हुआ ये ब्रश भी करेगा और आपके बालों को स्ट्रेटनअप भी करेगा. एंड आई थिंक यू कैन सी अ गुड डिफरेंस. मेरे जो पहले के वेवी और फ्रिजी ऐसे खड़े खड़े बाल रहते हैं ना मानसून में, और जैसे ही मैंने इसको एक बार यूज़ किया, आप डिफरेंस देख सकते हो. लाइक आपको बार बार यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एक स्वाइप में ही इतनी अच्छी आपको एक स्ट्रेट लुक मिलती है. अगर आपके बाल और कम वेवी हैं तो फिर तो आपको पिन स्ट्रेट वाली लुक मिलने वाली है, लेकिन आपके जितने वेवी बाल हैं आप उतना हाईएस्ट टेम्परेचर कर सकते हो. अगर आपके बाल कम वेवी हैं और आप थोड़ा सा और स्ट्रेटिंग इफेक्ट चाहते हो तो आप उसको लो पे रखो, आप ज़्यादा हीट पे मत रखो, लो पे रख के इसको स्ट्रेटन अप कर सकते हो. एंड यू कैन सी द होल इफेक्ट, मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छा डिफरेंस आया मेरे बालों में. दे लुक मैनेजेबल, दे लुक प्रिटी एंड जल्दी जल्दी हो. बेस्ट पार्ट इज इसके ऊपर एक और लेयरिंग है जो हीट नहीं होती, जो हीटिंग प्लेट्स हैं वो इसके अंदर है. इफ आई जस्ट शो यू, कैन यू सी, जो हीटिंग प्लेट्स हैं वो अंदर है और ये जो है ये हीट इतनी नहीं होती. तो आप जब इसको टच भी करोगे ना, या आपकी स्कैल्प पे भी अगर ये टच हो जाता है तो ये बिल्कुल आपको ऐसे इफेक्ट नहीं करेगा, या फिर आप कैसे लाइक जलाएगा नहीं. जैसे काफ़ी बार होता है ना स्ट्रेटिंग मशीन इधर उधर लग जाती है और बर्न के मार्क्स आ जाते हैं, वो इसके साथ नहीं है बिकॉज ऊपर जो है वो लेयरिंग बहुत सेफ है, तो ये बालों को बिल्कुल आपके बर्न नहीं करता. पीटीसी हीटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो बहुत जल्दी हीटअप भी हो जाता है, ऑटो शट ऑफ है. तो अगर आप जल्दी जल्दी में करके चले गए, आपने पीछे से स्विच बंद नहीं किया, काफ़ी बार एक फियर रहता ना कहीं बाहर चले जाते फिर याद आता है क्या मैंने वो स्विच ऑफ किया था नहीं किया था, तो इसमें डर नहीं है बिकॉज इसका ऑटो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो ये सेफली अपने आप को शट डाउन भी कर देता है, विच इज़ गुड. सो ओवरऑल द क्वालिटी वाइज, द यूसेज वाइज, आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस. अगर आपके फ्रिजी बाल हैं या मानसून में ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, या फिर आप प्रेसिंग नहीं करना चाहते ज़्यादा, अपने बालों को डैमेज नहीं करना चाहते, आपको कुछ जल्दी जल्दी में स्ट्रेटनिंग वाली लुक चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन बाय इट. मैं इसका अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करना. एंड आई टोटली फॉरगॉट टू टेल यू, इसके साथ ग्लव्स भी आते हैं. पहले मुझे लगा ऐसे ही लिखा हुआ है अमेजोन के टाइटल में, बट सच निकला यार, इसके आधे से प्रॉपर अगारो के ग्लव्स आते हैं. यू कैन सी यहाँ पे अगारो लिखा हुआ है. नेक्स्ट मानसून मस्ट हैव इज अ गुड मेकअप सेटिंग स्प्रे, बिकॉज मानसून में आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, कितना भी अच्छा बेस क्रिएट कर लो, अगर आपने अपने मेकअप को सेट नहीं किया ना, ट्रस्ट मी आपका पूरा मेकअप हिल जाएगा, बाहर निकलोगे इतना ऑयली हो जाएगा, वो ऐसे इधर उधर हो जाएगा, आपका बेस पूरा स्पॉइल हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे में इन्वेस्ट करो. मैं करंटली आपको एक ही सजेस्ट करने वाली हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. आपने मेरे रिसेंट गेट रेडी विद मी वीडियोज में डेफिनेटली ये देखा होगा, दिस इज द फॉरएवर 21 का मेकअप फिक्सर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये बहुत फाइन स्प्रे में आता है, मतलब लिटरली इट फील्स लाइक आपको दिखेगा भी नहीं. कैन यू सी कितना फाइन इसका स्प्रे है, ऐसे बहुत जल्दी आपकी स्किन में चला जाता है. तो ओनली थिंग इसकी इसकी खुशबू थोड़ी सी फर्स्ट एड वाली है, बट या ओवरऑल इट वर्क्स रियली नाइस. लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश ये देता है, मेड इन कोरिया. अगर आपको मैट मेकअप चाहिए या फिर आपकी स्किन ओवरऑल बहुत ग्रीसी आप चाहते हो एकदम मैट लुक हो जाए, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो. मैं तो काफ़ी बार जब लाइट मेकअप भी करती हूँ ना, और सुबह शाम तक मुझे कहीं बाहर जाना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हम कहीं जाते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, आपका लिटरली सारा बीबी क्रीम फाउंडेशन आपके यहाँ पे कपड़ों पे आ जाता है बिकॉज आपने अपने मेकअप को सेट नहीं किया होता. तो उस केस में भी ये काफ़ी अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट. एंड फाइनली द लास्ट रिकमेंडेशन, ये तो मैं मानसून स्पेसिफिक नहीं बोलूंगी, ये तो मैं एंटायर सीजन, जो समर का पूरा सीजन होता है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपकी ऑयली स्किन है, विच आर आई
पोर्स रोलर्स, बिकॉज जब तक आप आइसिंग नहीं करोगे ना आपके वो पोर्स टाइट नहीं होंगे, आपका मेकअप इतना फ्लॉलेस नहीं लगेगा, एंड अगेन ऑयल प्रोडक्शन कम से कम होगा तो स्किन ग्रीसी भी नहीं होगी. तो मॉनसून में स्पेसिफिकली आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. मेरे पास दो हैं, ये दोनों आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे. सबसे पहले तो एक बड़े वाला है, इसको तो आप बॉडी पे भी, जैसे काफ़ी बार मैं खाना वाना बनाती हूँ कहीं बर्निंग हो जाती है मैं तब भी इसको यूज़ कर लेती हूँ. इसके अंदर ऐसे जेली जेली कुछ है जो पूरी ऐसे जम जाती है, एंड देन यू कैन जस्ट रोल ऑन योर स्किन. सो ये तो वैसे जनरली यूज़ करने के लिए अच्छा है, लेकिन स्पेसिफिकली जो फेस पे डायरेक्ट आइसिंग मैं करती हूँ मैं इससे करती हूँ. ये मैंने कल परसों ही दोबारा जमाया था, आई थिंक ये या अब ये स्टक हो गया है, इसको थोड़ी देर मुझे बाहर छोड़ना पड़ेगा एंड ये इजिली यहाँ से लूज आउट होके निकल जाएगा. सो आप ऐसे होल होता है ऊपर से, आप ऐसे होल को खोलो एंड देन यू कैन जस्ट पोर एनीथिंग. मैं रोज वाटर डाल देती हूँ या फिर कोई भी आपके पास कोई भी फेशियल मिस्ट हो ना जो आप मिक्स करके डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो. एंड मेकअप करने से पहले या फिर स्किन केयर करने से पहले अर्ली मॉर्निंग आप ऐसे मसाज कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी नाइस टिप फॉर ब्राइड टू बीज या फिर जिनकी शादी है जिनका फंक्शन है उनके लिए भी अच्छा है. बिकॉज इससे क्या होता है आपके फेस एक तो टाइट होता है, पोर्स आपके काफ़ी टाइटन अप जाते हैं, आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है. अगर आपको लगता है ना आपको स्कारिंग बहुत ज्यादा है, आपका मेकअप पैची पैची हो रहा है या थोड़ी देर बाद ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है या फिर फेस पे वो एकदम टाइटनेस फील नहीं हो रही, तो आप इसको डेफिनेटली यूज करना. सबसे पहले आइसिंग करना और फिर अपना मेकअप शुरू करना, एंड ट्रस्ट मी यू विल सी अ गुड डिफरेंस. इससे ऑयल प्रोडक्शन भी आपका कम से कम होता है. सो ये तो मेरे कुछ मॉनसून मस्ट हैव. आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल रही होगी. मैंने जितने प्रोडक्ट्स की बात करी है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जिसपे जो डील डिस्काउंट जिस वेबसाइट पे चल रहा होगा मैं सबके लिंक नीचे डाल दूंगी. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर. मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे काफी सारे रिव्यूज करती हूँ तो आपको वहां पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. एंड जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आप मॉनसून में स्पेसिफिकली क्या स्किन केयर है या फिर क्या प्रोडक्ट यूज करना प्रेफर करते हो जो बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क कर रहा है. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.